फूडीज वेलकम टू खाना हंगामा। आज हम बनाएंगे राजस्थानी जंगली मांस। इसके लिए हमने यहाँ पे सिर्फ 200 ग्राम मीट लिया है क्योंकि एक दो जनों के लिए बना रहे हैं, तो 200 ग्राम मीट है यहाँ पे। बहुत कम चीजें डलती है इसमें। थोड़े से ये मैंने खड़े मसाले लिए हैं, एक साबुत काली इलायची, दो हरी इलायची, थोड़े से 10-12 दाने काली मिर्च के, एक इंच आधे इंच जितनी ये है दालचीनी जो तोड़ के रखी है, 6 से 7 लाल मिर्चे साबुत, यहाँ पर मेरे पास लहसुन है 5 कलियां और नमक स्वाद अनुसार डलेगा। इधर मैंने घी अभी अभी रखा है, देखिए हांडी में थोड़ा टाइम लगता है उसको पिघलने में, तो ये एक टेबलस्पून ही टेबलस्पून है, तो 1.5 टेबलस्पून जितना ये घी हो जाएगा। तो एक बार ये पिघल जाता है तो फिर हम बनाना शुरू करेंगे। इन चीजों के अलावा जीरा और लगेगा हमें, तो जीरा भी डालेंगे बाद में। तो अभी ये पिघल जाता है तो फिर हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए घी पिघल गया, सबसे पहले हम खड़े मसाले डाल रहे हैं इसमें। और एक बात और, हमने इलायचियों का मुंह खोल दिया था क्योंकि अगर नहीं खोलते तो फिर तड़क के मुंह पे आने का भी डर रहता है। तो ये तड़क जाए एक बार तो फिर इसके बाद इसमें जीरा डालेंगे। जीरा डाल रहे हैं अब हम क्योंकि ये तड़क गए हैं सब, और जीरा डालने के बाद जीरा भी तड़क जाएगा तो फिर हम मीट डाल देंगे। जीरा तड़क गया, अब मीट पीसेस डालना है इसमें। और इसको 10 मिनट तक हम तेज आंच पर ही भूनेंगे। जब तक ये मसाले, जब तक ये मीट भून रहा है, आपको ये जंगली मांस की कहानी भी बता देते हैं। एक्चुअली राजा महाराजा जो हैं वो पहले शिकार पर जब जाया करते थे तो उनके खानसा में वगैरह साथ जाते थे, मसाले वगैरह सब कुछ लेकर जाते थे। तो जब आखिर में जो भी थोड़े बहुत मसाले बच जाते थे उनसे ही मांस बनाया जाता था, गोश्त बनाया जाता था। तो इसीलिए ये बहुत कम मसालों में बनता है। नॉर्मली तो इसमें खाली नमक, घी, मीट, लाल मिर्च जो कि मथानी लाल मिर्च होती है उनकी राजस्थानियों की, वो और लहसुन, यही डलता था। हमने इसमें जीरे और खड़े मसालों की एडिशन की है, पर ये कम से कम मसालों में बनने वाली है चीज़, और टेस्ट इसका बल्कि सबसे अच्छा ही होता था। तो काफ़ी ज़्यादा मशहूर था ये राजस्थान में, और अभी भी बहुत सारी जगह पे वहाँ पे बनाया जाता है। तो ये अभी भून रहा है तो थोड़ी देर बाद हम वापस आते हैं, इसको 10 मिनट तक पहले भून लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का मसाले डालेंगे, नमक वगैरह। तो 10 मिनट के बाद हम वापस आके और आपको दिखाते हैं। 10 मिनट देखिए हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन, साबुत लाल मिर्च तोड़ के, वैसे आप साबुत भी डाल सकते हैं पर तोड़ के उसका तीखापन ज़्यादा आएगा इसलिए तोड़ के डाल रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी तीखी बनती है, और नमक, ये सब चीज़ें डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए, मिक्स करके इसको और ढक के पकाएंगे। देखिए इसको 10 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। अब हम सेक को कम कर देंगे और इसको ढक के तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाएंगे और फिर बाद में इसमें ग्रेवी डलेगी। तो अभी ढक देते हैं इसको, थोड़ा रेड होना चाहिए, तो 20-25 मिनट से थोड़े ज्यादा भी लग सकते हैं, थोड़ा मतलब ये पक जाना चाहिए, उसके बाद ही ग्रेवी डलेगी। तो ढक रहे हैं अब, और फिर अब थोड़ी देर में हम इसको आके बीच बीच में चलाते रहेंगे, और जैसे हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे कि कितना टाइम लगा। तकरीबन वैसे 20 से 30 मिनट तक लग जाते हैं। जब 20 से 25 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए, और ढक्कन हटा के दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए ये थोड़ा कलर भी पकड़ने लग गया है, तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे
आधे लीटर में तकरीबन जो पानी डलता है वो होता है 1 से 1.25 लीटर, लेकिन ये हमारे पास सिर्फ 200 ग्राम है, तो उस हिसाब से हमारे पास जो ये मग है वो 1.5 मग पानी का डालेंगे। ये देखिए ये मग है हमारे पास, 1.25 से 1.5 मग पानी का डाल देंगे इसमें। आप चाहें तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये टमाटर के साथ नहीं बनता, ऐसे ही बनता है, तो इसीलिए हम इसको जितना ऑथेंटिक रख सकते हैं रख रहे हैं। हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं डलती है इसमें, जो कलर आता है वो मिर्चों से ही आता है। तो मिक्स करके ढक देंगे और इसको पूरा जब तक पक नहीं जाता तब तक हम इसको चलाते बीच बीच में चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। तो वो तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा इसको, और एग्जैक्ट टाइम हम आपको बता देंगे, जैसे ये पकेगा तो दिखाएंगे और आपको टाइम भी बता देंगे। तो ढक रहे हैं इसको वापस और इसको पकाते रहेंगे बीच बीच में चलाते। फूडीज देखिए, 5 मिनट पहले मैंने इसको देखा था तो इसमें कलर अच्छा आ गया था और मीट भी ऑलमोस्ट हो गया था, और अभी देखिए ये मीट हो गया है, पक गया अच्छे से, लेकिन आप देख सकते हैं कि ग्रेवी काफी ज्यादा है अभी, मतलब इतना गाढ़ा नहीं है कि रोटी के साथ खाया जा सके, तो हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा और करेंगे और उसके बाद बंद कर देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट। तो अभी इसको हम खुला ही छोड़ रहे हैं बगैर ढके, और तेज सेक पर इसको थोड़ा सा सुखाएंगे और फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो देखिए जंगली मांस बनके तैयार है, गर्मा गर्म धुआं निकल रहा है, फुलको सेक के साथ खाएंगे इसको और एंजॉय करेंगे। आप भी बना के एंजॉय कीजिए, और एक बात मत भूलिएगा कि क्योंकि इसके अंदर टमाटर वमाटर कुछ भी नहीं है तो इसीलिए इसकी ग्रेवी थोड़ी सी पतली ही रहेगी। हम जितनी गाढ़ी कर सकते थे हमने की है, पर बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं होगी। और आप ये भी देख सकते हैं कि आपको गार्लिक का कोई पीस नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इतनी देर पकने में गार्लिक अपने आप ही साबुत डला हुआ भी पिस सा गया है और अच्छे से घुल गया है। मिर्चें लाजवाब हैं और कलर इन मिर्चों की वजह से ही आया है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो हम तो जल्दी से खाना शुरू कर रहे हैं, आप भी बनाइए खाइए, और कभी कभी हमारी तारीफ भी करके लाइक कर दिया कीजिए प्लीज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके, और पास वाला आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय।